सर आश्रम के स्वामी जी मेरे कलेज भी है, पुराने साथी है, यहाँ उपस्थित है पूर्व विधायक प्रोफेसर शिव कुमार राय जी, अमरेश राय जी, राष्ट्रीय जनता दल युवा इकाई के विधायक है, विद्या सागर जी, अभय सिंह जी, श्रीमती अनिता राय जी पूर्व प्रखंड प्रमुख, डोमन राय जी अध्यक्ष है, अजय राय जी, रघुनाथ राय जी, जवाहरलाल राय जी पूर्व प्रमुख मोहती नगर, सदानंद राय जी अधिवक्ता है, लक्ष्मी राय जी, मुन्ना जी, अवधेश राय जी प्रमुख, राय जी सरोज राय जी, प्रभाव राय जी, मोहन ठाकुर जी, रामचंद्र शाह जी, राम नरेश राय जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राष्ट्रपति हैं सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, अजम लाल जी, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों मित्रों, गार्जियन राम बरन महतो जी है, राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष के इलाज है, प्रोफेसर विनय बाबू है दोस्तों साहब, आप सब लोग जो उपस्थित हैं भाइयों मित्रों, कोई बहुत विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंबी यात्रा हम लोग की है, बहुत जगह जा रहे हैं और सब कुछ आप वाकिफ हैं, चुनाव चल रहा है, हम आपसे सिर्फ आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ हैं, आपका आशीर्वाद मिला तो आपके मान सम्मान को कभी ऊपर उठवा ठेस नहीं पहुंचने, हर तरह से इस इलाके के क्षेत्र के विकास के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा, क्योंकि मैं बाहर का नहीं हूं, बगल का हूं, आपको मालूम है मेरी राजनीतिक यात्रा में ज्यादा समय तो संघर्ष में ही बीता है, बीत रहा, हम लड़ते फिरते रहे, लड़ते फिरते रहे हैं, जहां जरूरत पड़ती है जनता के सवालों को लेकर कभी हमने समझौता नहीं किया, जब उसको लगता है कि जनता का सवाल कहीं प्रभावित हो रहा है तो बड़ी कुर्सी छोड़कर भी हम आते रहे हैं, राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर चार साल समय बचा हुआ था आगे लोगों के बीच में, भारत सरकार के मंत्री पद को भी छुड़ा कर हम आए हैं आपके सवालों के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि वहां रहकर संभव नहीं हो पा रहा, उनको लगा कि लड़ना चाहिए उन्होंने दिए, लेकिन एनडीए में रहते हुए सामाजिक न्याय जो जनता कर्पूरी ठाकुर जी के स्कूल से हम लोगों ने जो सीखा, जब लगा कि उसके साथ वहां खतरा है, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायपालिका इतनी बड़ी संस्था जिसमें पिछड़ा दलित समाज का जज नहीं बन रहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन रहे पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, जिस विभाग का मैं मंत्री था शिक्षा विभाग, देश में भारत की सरकार 40 यूनिवर्सिटी चलाती है, जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी पिछड़ा प्रोफेसर नहीं मिलेगा, एक भी अति पिछड़ा प्रोफेसर नहीं मिलेगा, दलित लोग भी नहीं मिले, बताइए इस तरह की स्थिति जहाँ हो वहाँ चुप बैठना और फिर सामाजिक न्याय की बात करना, दोनों बात कहाँ संभव हो सकती है, हमको लगा कि लड़ना थी, हमने आवाज उठाई और फिर धीरे धीरे जो स्थिति हुई आपके सामने मैं खड़ा हूँ, यह जो महागठबंधन बना है लालू यादव जी ने बहुत सोच समझ कर इस गठबंधन को बनाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी वाले और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली पार्टी या सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाला कोई नेता इनको बहुत परेशान करने का काम किया, पिछली बार तो राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, राष्ट्रीय दल के नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते अगर राष्ट्रीय जनता दल का साथ पिछली बार नहीं मिला रहा था, तो साथ दिया राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने,
सरकार बना ली नीतीश जी ने, और सरकार बनाने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ ही साजिश करने लगे। क्या कसूर तेजस्वी यादव और ईसा भारती वगैरह इन लोगों का? सबका नाम मुकदमा में डाल दिया, सबका नाम मुकदमा में डाल दिया। भगवान ने कहे दोबारा यू सत्ता में आएगा ही नहीं, यह पक्का है कि नहीं आएगी। लेकिन भूल से अगर कुछ गलती से आगे लोग सत्ता में, तो लालू जी के परिवार को, परिवार से किस व्यक्ति को कब जेल भेजने का कोई ठिकाना नहीं। तो एक तरफ जहां हम जनता के सवालों का हल कैसे निकले इसके लिए भी लड़ने का काम इस महागठबंधन के द्वारा करेंगे, और साथ ही साथ जिन लोगों ने ऐसा रवैया सामाजिक न्याय की पार्टी के साथ किया उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे, उनको भी सबक सिखाना है। देखिए बेइज्जत करके तेजस्वी यादव को नीतीश जी ने बाहर किया, बेइज्जत करके बाहर किया, वरना वोट दिया आप लोगों ने, सरकार बन गई और उसको हटा दिया, बेइज्जत करके हटा गया। महागठबंधन का यह भी संकल्प कि जहाँ 40 में 40 जिस लोकसभा चुनाव में हम बिहार में जीतेंगे, वही अगले साल जो चुनाव होगा उसमें नीतीश जी जिस तरह से उन्होंने बेइज्जत करके हटाया है, अब हम लोग नीतीश जी को नीचे लाने का काम करेंगे और तेजस्वी यादव महागठबंधन वहां बैठाने का काम करेंगे। यह काम क्या बीजेपी के लोग करेंगे? बीजेपी के लोग करेंगे? इज्जत करके नीतीश जी ने हटाया, अब इज्जत से बीजेपी वाले वहां बैठाएंगे या हम लोग बैठाएंगे आप सब लोगों को मालूम। बीजेपी वाले कभी नहीं बैठाएंगे, बीजेपी वालों का जो चलेगा वो और ज्यादा ही नुकसान कर दे, और ज्यादा नुकसान कर दे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कहानी आती थी, हम भी आप ही के घर के आदमी है, हम आपके परिवार के आदमी है, वोट दीजिए भैया। वोट किस बात के लिए? वोट किस बात के लिए? वोट इसी बात के लिए या बैठ करके लालू यादव जी को ही गाली देना शुरू कर दी? लालू यादव जी को क्या नहीं कहा, यह जो व्यवहार है, इन्होंने कहा रावण की तरह हम उनका वध करेंगे। भैया रावण की तरह वध करने की कोई बात भी करे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती से आशीर्वाद भी मांगे, दोनों बात कहाँ हो सकती है? दोनों बात नहीं हो सकती। यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पटोरी मोतीनगर पूरा समस्तीपुर जाजपुर या पूरा इलाका, यहाँ से वही आशीर्वाद मांगने की बात कर सकता है, आशीर्वाद मांगने का वास्तव में हकदार हो सकता है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चले और लालू जी का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो, लालू जी का जिसको आशीर्वाद प्राप्त हो, लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त है महागठबंधन को उपेंद्र कुशवाहा, उनके आशीर्वाद से हम लोग पूरी मजबूती से हैं। पटोरी में जब पटोरी इस बार भी है, आगे भी रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। यही बीजेपी वाले पर बोले, बीजेपी के नेता एक हमारे साथ भारत सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा कई बार कि जो ये भाजपा को वोट नहीं देगा उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे। भैया तुम क्या पाकिस्तान भेजोगे, अब हम लोग आपको रेगिस्तान भेजने का काम करें, चिंता मत कीजिए। नीतीश जी ने भी कहा जब दोस्ती राष्ट्रीय जनता दल से कर रहे थे, तब नीतीश जी ने कहा कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो भैया तो आप तो भाजपा में चले गए, अब बिहार की जनता आपको मिट्टी में मिलाने का काम करें, क्योंकि आप ही ने कहा है मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में चले गए तो मिट्टी में मिलिए, मिट्टी में मिलिए तो मिट्टी में यहाँ के लोग आपको मिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों को भी सबक सिखाना है, और जनता दिन बैठे नीतीश कुमार जी तो 15 साल से राज कर रहे हैं, अब कितना दिन राज करेंगे? 15 साल कोई कम समय होता है क्या? 15 साल में चाहते तो क्या से क्या कर देते, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन गांव के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की स्थिति क्या है, हम तो लड़ते रहे शिक्षा को लेकर। देखिए बिहार में बिहार का विकास आज हो 5 साल के बाद हो जब हो, जब तक बिहार के गरीब बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं होगा, नहीं हो सकता। पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, नहीं पढ़ेगा बिहार तो नहीं बढ़ेगा बिहार। कहाँ पढ़ेगा बिहार? बिहार पढ़ना भी चाहे तो कहाँ पढ़ेगा? सरकारी विद्यालय में पढ़ाई लिखाई है क्या? टीचर नहीं है, जहाँ 15 शिक्षक की जरूरत है वहाँ 5 शिक्षक है, स्कूल खाली है, बेंच डेस्क तक नहीं है, बच्चों को समय पर किताब नहीं मिलती, बताइए क्या पढ़ाई लिखाई होगी? पढ़ाई लिखाई बंद है,
नहीं हो रही। हम लोग सत्ता में आएंगे, बिहार में भी सरकार बनेगी, दिल्ली में बनेगी, बिहार में भी बनेगी, तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा में सुधार का निर्णय करने का काम करेंगे। गांव के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए शिक्षा ये अनिवार्यता है, इस काम को हम लोग करेंगे। गांव के गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा है वह भी चौपट है, उसको भी ठीक करेंगे। और नौजवानों के लिए मोदी जी भी कहते थे, पिछली बार हम उनके साथ घूम रहे थे, हर जगह बिहार में मीटिंग में कहते थे कि बिहार के लोगों के लिए कमाई दवाई पढ़ाई तीनों के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, अब यहाँ दवाई तो मिल ही नहीं, यहाँ पढ़ाई तो मिल नहीं रही है और कमाई भी नहीं है। बिहार के नौजवान मजदूर अभी भी बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, यहाँ अगर होता उपाय तो लोग नहीं जाते। उपाय यहाँ संभव है, किसानों का विकास किया जाए, कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग की स्थापना की जाए, तो किसानों का भी विकास होगा, नौजवानों को भी रोजगार मिल सकता है, नौजवानों को भी रोजगार मिल सकता है। हर तरह से यह व्यवस्था की जा सकती है। हम आपसे इसलिए आशीर्वाद मांगने आए हैं कि आप ताकत दीजिए, पूरे बिहार में हम सब लोग इस तरह का इंतजाम करेंगे कि बिहार भी विकसित हो। और इस इलाका का तो मेरा प्रथम दायित्व होगा कि यहाँ के विकास का काम हम करें। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, एक एक कीमती वोट दीजिए। छत का पंखा हम लोग का निशान है, छत का पंखा ठीक बता रहे थे कुछ लोग, महिलाओं को बताना पड़ेगा, नहीं तो मशीन पर खोजने लगेगी लालटेन, लालटेन मिलेगा नहीं, उनको पहले बताइए यहाँ लालटेन के बदला में पंखा है, लालटेन के बदला में पंखा है। और यह भी देखिए बहुत कठिनाई भी नहीं है, जिस तरह से आप सब लोग का उत्साह दिख रहा है चारों तरफ, जहाँ भी हम जाते हैं, कठिनाई भी नहीं है। जब लालू जी ने उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में दे दिया पंखा, तो जिस में कहा कोई शंका, कोई शंका नहीं, पूरी मजबूती से आप सब लोग मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, हर तरह से हम आपके साथ अभी हैं, आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इसलिए आप सब लोग मिलकर के चलिए आशीर्वाद दीजिए, अपने एक एक कीमती वोट, समय का अभाव में आगे भी जाना है, इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।